दीदार जी, आपकी शुरू में पहचान जो थी वो एक स्टेज परफॉर्मर के तौर पर थी, हालांकि आपने बहुत सारी फिल्म्स भी की, तो क्या बचपन से ही आपको डांस का शौक था? नहीं, बचपन से डांस का शौक बिल्कुल भी नहीं था. मुझे बकायदा सीखना पड़ा क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं आता था. अच्छा. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरू की जो पहचान थी वो आज भी है और मैं चाहूँगी कि हमेशा रहे, क्योंकि थिएटर ही मेरा बेस है और थिएटर ही मेरा फ़ख्र है और उसी की वजह से मुझे दुनिया जानती है. तो डांस मुझे सीखना पड़ा क्योंकि बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन मैं इंस्पायर्ड थी नरगिस से बहुत ज़्यादा और उनको देख के मैं आई. और उन्होंने आपको सपोर्ट किया शुरू में? बहुत किया. अच्छा. दीदार जी, आपने कहा कि उन्होंने आपको शुरू में सपोर्ट किया, तो क्या बाद में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? बाद में चूंकि वो भी काम करी थी, बहुत बड़ी स्टार थी, उन्हीं की वजह से मैं भी बहुत ज्यादा फेमस होगी, कुछ अपनी मेहनत की वजह से, कुछ उनकी वजह से. तो कहीं ना कहीं एक मुकाबले पे हम लोग आ गए तो नेचुरल होता है थोड़ा सा. एक जगह उनके टिकट्स बिक रहे हैं, एक जगह मेरे टिकट्स. अगर कभी मेरे शोज अच्छे चले गए तो लड़ाई, उनके अच्छे चले गए तो लड़ाई. तो ये बस चलता रहा, नोकझोंक चलती रही. मेरा हमेशा एज रहा छोटे होने की वजह से, और अम्मी की भी सपोर्ट, अबू की भी सपोर्ट. तो बल्कि मैं ही ज़्यादा उससे लड़ती थी, वो कम लड़ती थी, मैं ज़्यादा लड़ती थी. और वो तब तक चुप रहती थी जब तक अबू या अम्मी घर पे ना आ जाएं, और जैसे ही वो आते थे और वो छोटे बच्चों की तरह रिएक्ट करती थी, इसने मुझे बुरा भला बोला है, इसने ऐसे कहा, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते माँ बाप को देख के. और मतलब स्टार, बहुत ज्यादा पैसों वाली स्टार. बिल्कुल. और उस वक्त का उसका ये रवैया होता था. इसका मतलब है कि आपकी तरफ से जेलिसी फैक्टर थोड़ा ज्यादा था, नरगिस जी की तरफ से थोड़ा कम था? नहीं, जेलिसी को अगर लाडलेपन में कन्वर्ट कर ले तो बेहतर होगा. अच्छा. आप ज्यादा लाड करती थी. एग्जैक्टली. और लाड लाड में ही वो लड़ाई भी होती थी और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी था. हेल्दी कॉम्पिटिशन था. उसने हमेशा माना जरूर कि ये बहुत अच्छा डांस करती है. उसने कभी भी ये नहीं कहा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करती या ये ऐसा वैसा, कभी नहीं. माना हमेशा, और मैंने भी हमेशा एडमायर किया उसको. तो इस वजह से मैनेज हो ही जाता था. हो ही जाता था. टैलेंटेड तो दीदार जी आपकी पूरी फैमिली है माशाल्लाह से, आपके अब्बू, आपके भाई, आप दोनों बहनें, अपनी अपनी फील्ड में सबने बहुत नाम कमाया है. और कुछ और भी आपकी बहनें हैं जिन्होंने सैलून के बिजनेस में बहुत नाम कमाया है? जी हाँ, दो बहनें और वो शायद अपनी फील्ड में हमसे भी ज्यादा फेमस हैं. और आई थिंक अगर कोई लाहौर में रहता है या पंजाब में रहता है, शायद ही कोई होगा जो उनको नहीं जानता. नहीं जानता होगा. तो वो भी अपनी फील्ड में बहुत माशाल्लाह कामयाब है. माशाल्लाह. और भाई भी अपनी फील्ड में बहुत कामयाब है. और जो मेरे वालिद हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो नूरजहां को रिकॉर्ड किया उन्होंने, नुसरत फतेह अली खान को रिकॉर्ड किया. Yes, exactly. He was the best sound recordist in the Pakistani film industry. अभी भी जब हम लोग फिल्में देखते हैं पुरानी, तो अब्बू का नाम हर फिल्म में आता है. तो बहुत अच्छा लगता है कि हमसे पहले उनका नाम लोग जानते हैं. Exactly. और जब हम इंडस्ट्री में आए तो हमें उनकी बेटियों के तौर पर ज्यादा पहचाना जाता था, बाद में हमारे नाम बने. मैं आपको भी कुछ खसूसियात बताऊंगी, आपने बताना है कि ये जो खसूसियात हैं, पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, किस टिकटॉकर या किस सेलिब्रिटी पे फिट बैठते हैं. Okay. चलाको मासी मीरा. मीरा. ओके. Okay. ऐसी हैं नहीं जैसी प्रटेंड करती हैं. मतलब चलाक सी हैं. हाँ, एक्चुअली एक्चुअली चलाक है. चापलूस. सब टिकटॉकर्स. नखरेबाज. मेरी खुद की फ्रेंड अनमोल, उसका कोई पता नहीं चलता कब बहुत ज्यादा प्यार करे, कब बहुत ज्यादा नखरा कर दे. ओके. आप अनमोल नूर की बात जी. बिल्कुल. ओके. दीवाना मस्ताना. एहसन खान दीवाने और फिरोज खान मस्ताने. मस्ताने. ओके. मज़ाहिया. जवाद वसीम साहब. अरे वाह वाह वाह, भरपूर तालियां. आपकी हर बात पे कोई यकीन कर लेगा, इस बात पे नहीं करेगा. सीरियसली. दीदार जी जी, फ्लर्ट आपको सबसे ज्यादा कौन लगते हैं? रैम्बो बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है बीवी के सामने ही. तो इस तरह चलता रहता है, सारे ऐसे ही हैं. रैम्बो तो बड़ा स्वीट आदमी है, तो हाँ, अच्छा. लेकिन फ्लर्ट बहुत करता है. अच्छा. और बीवी के सामने करता है. रंगबाज. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे डॉली हैं, मैं उनको आर्टिस्ट नहीं मानती. ना उनके पास एक्सप्रेशंस हैं, ना डांस है, ना कभी उन्हें कोई एक्टिंग करते मैंने उनको देखा है. तो बस रंगबाजियां ही हैं और क्या है ये. ओके, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छे जवाब दिए. दीदार जी, हमारे पास यहाँ पे एक फिल्म की कास्ट मौजूद है जो पिछले काफी अरसे से एक फिल्म बनाना चाह रहे हैं लेकिन बन नहीं पा रही. जी जी. आज देखते हैं कि फिल्म के नाम पे क्या बर्बादी करते हैं. छेती कर लो ट्रैक्टर साहब, मेरे इलाके की बस नहीं खलोंदी, मैं छाल मार के उतरना हुंदा. मेरी कंडक्टर ने गल होगी कहिंदा मैं तुझे बाहर छोड़ देंगे, छड़ दे तू. कल भी मैं छाल मारी है, मैं चिक्कड़ समझिया सी उत्थे पत्थर था, मेरा सारा लक छिल्लिया गया. मैनू ट्रैक्टर साहब तुहाडे ते बहुत दुख है. कदों बेटी
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਨਿਬੜਦਾ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਦਿਓ। ਕਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਬੈਠਾ। ये क्या कह रहा है, मैं की लिख बैठा, की लिख बैठा। दीदार जी इनको पता ही नहीं है कि इन्होंने क्या लिखा है, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं हुआ। कुछ लिखा ही नहीं। ऐसे ही एक आध लफ्ज लिख के ना तारीफे करवाते रहते हैं अपनी, मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। मकान की रजिस्ट्री की थी, जिन्होंने मकान बेचे ओदे कोलो भी छित्तर खादे। रजिस्ट्री के पेपर से साइन करके बाद रोंदा रहा, वो मैं की लिख बैठा, मैं की लिख बैठा। जुत्तियां मारो ये सिर च, सारे जी फाड़ लो। की है वो वड्डी कुड़ी नशाई ना व्याई है, तो भांडे बेचन लगा। शूटिंग खत्म होने लगी तो मैं आने लगी, मैं आप आके बेच लैन दे भांडे। 1300 तो सारे भांडे बिकने। 1300 तो नहीं बिकने बाबा, जो मैं फिल्म शुरू की 3 कौलियां रह गई तो कर सिर्फ। अल्लाह के बदल हर शह बेच के इन्होंने ही दी। अज कुछ शह मंगा ली मैं नहीं, गंडे ने रोटी खानी, मेरे आंसू ही नहीं रोकते। गंडे की टेंशन ना ले, मैं तुम गुड़ वाली पेस्ट्री लिया गया। जो मर्जी हो जाए ना जी, मैं गुड़ वाली पेस्ट्री ना रोटी नहीं जी खानी। गुड़ वाली पेस्ट्री खाने में आपको क्या मतलब है? पेस्ट्री नहीं होंगी, पेस्ट्री होंगी। मेरे हुसन तो नहीं लग रहा कि मैं भी तुहाडे वगरी एक हीर बना। डांस आता आपको? लो डांस तो मैनू 3 टाइम आंदा। फिर मेरी क्यों नहीं बन रही? क्यों गाने रुके ने? कहंदी मेरा पुत्र तेरे सामने मैं नहीं नचना है या होंगी। अच्छा ये फैमिली है पूरी? हां जी। पहले सानू पट्ठे वाले ने गिरवी रखिया सी 20 साल तो, ते हुण सानू इन्ने उंतरे ने रखे। आ खोल खोल मेरे पेट। ठीक है जी, बहुत भला क्या है, एक सुपर हिट हीरो है आपके पास जी, अगर 5 मिनट के लिए हमारे सेट पे वो आ जाए तो जिंदगी बन जाए और फिल्म भी बन जाए। अच्छा, तो जो मेरी किस्मत फूटेगी वो अच्छा, वो आपका मसला नहीं है। दी दी, क्या इरादे हैं दीदार जी, जाना है इनके पास इनकी फिल्म में? पहले मुझे ये बजट बताएंगे फिल्म का, फिर मैं डिसाइड करूंगी। जी प्रोफेशनल टर्म्स पे बात करें जरा। तो जी फिल्म का बजट जे ना ताड़ा आएगी मूवी या सिर्फ ऐसे ही है बस? सिनेप्लेक्स नहीं आएगी, ये नजर च आएगी और सारी टीम अंदर जाएगी। इतनी फरमाइश कर रहे हैं दीदार जी, चली जाएं आप प्लीज। ओके अल्लाह हाफिज़। आपने उनके पास जाना है, जितने शिद्दत से वो आपको याद कर रहे हैं और जिस तरह से बुला रहे हैं। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾਣਾ? ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਂ ਚ ਕੱਟ ਦਿਓ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਜਿੱਦਣ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਡਿਨਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾ। ਕਮਾਲ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੀ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਚਬਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਨਰਗਸ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ तुम कितने स्मार्ट हो। अरे मेरी तो जुबान ही जल जाएगी। मैं तो दवाई ले आऊंगा, लेकिन कह दियो। ठीक है, कहां से? इधर से आओ। तुसी पवन आओ, सिर्फ कबूतर। एक्शन बोले डायरेक्टर, तुम कितने बदमाश हो। नहीं वो तो मैं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप कितने स्मार्ट हो। स्मार्ट हो? अच्छा, सॉरी। अच्छा दीदार जी, तुसी आगे कहना कि दुनिया हंसी है, तुझसा हंसी नहीं कोई। दुनिया हंसी है पर तनु की मौत पई है। तुमने बोला नहीं करा है। ओके डन, चेक करें। साक्षो कैमरा एक्शन। दुनिया हंसी है पर तुझसा हंसी कोई भी नहीं। अच्छा जो डायलॉग नहीं जी, गाने का सीन है जी, नवा गाना है तो पहली बारी ताड़े से पिक्चराइज हो रहा है, पहली बारी सच्ची। वो किसी ने सोचा भी नहीं गाना। और मेरी आवाज से तुम जरूर आ जाएगा। और मेरी कसम हीरो, जो भी मैं गाना परफॉर्म करेगा ना, मेरा पुत्र रील ना खाई है, उनकी परफॉर्म करना। मेरा करवा दे पहले। तेरा करवा दे, अभी दवाई लेने जाना। अरे बैठ जी, स्टार्ट साउंड कैमरा। हेलो हेलो जी, जी। कैमरा कहाँ है, डांस डायरेक्टर कहाँ है? एक बंदे का मैं 2700 दे रहा हूँ, कैमरा चुके लेंगे।